दोस्तों HTML में हर फंक्शन को यूज करने के लिए दोस्तों हम लोगों को हर एक अलग अलग तरीका का टैग दिया गया है, जिसमें दोस्तों आज हम लोग जानेंगे एड्रेस टैग के बारे में। एड्रेस टैग का यूज कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एड्रेस टैग को सीखने के लिए एड्रेस टैग बेसिकली दो जगह पर यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर ये एड्रेस टैग बॉडी के अंदर लगा हुआ है तो दोस्तों ये जो पूरे कंटेंट जो है यहाँ पर रहेगा दोस्तों, पूरे बॉडी का जो मालिक रहेगा उसका एड्रेस वगैरह ये एड्रेस टैग के अंदर लिखा जाता है। अगर दोस्तों ये एड्रेस टैग आर्टिकल के अंदर लगा हुआ है तो दोस्तों उस जो पोस्ट जो भी आर्टिकल लिखा तो उसका जो कौन लिखा उसका ये एड्रेस वगैरह शो करता है, बेसिकली ये ऑथर को शो करता है। तो चलिए दोस्तों एड्रेस टैग को कैसे यूज किया जाता है यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले बॉडी के अंदर सीख लेते हैं। एड्रेस एड्रेस इस तरीके से एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग इस तरीके से करेंगे। इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा मतलब ये जो पूरे इसकी बॉडी के अंदर जितने भी कंटेंट है ये इसका ऑथर कौन है उसका बेसिकली यहाँ पे एड्रेस वगैरह शो किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ फाउंडर फाउंडर इस तरीके से फाउंडर। उसके बाद दोस्तों मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूँगा इसको दोस्तों मैं ब्राउज़र में यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इटैलिक तरीके से यहाँ पे इसका जो लिखावट है वहाँ पे फॉन्ट जो इटैलिक तरीके से आया है, उसी तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पे इसको थोड़ा मैनेज कर देता हूँ। यहाँ पे इस कुछ इस तरीके से आया। अब दोस्तों मैं और एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों फाउंडर लिखा हुआ, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं एक एंकर टैग लगाते हैं, एंकर टैग इस तरीके से। यहाँ पे दोस्तों मैं लिंक दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे दे देता हूँ मेल टू, मैं अपना ईमेल आईडी देता हूँ मेल, जैसे दे देता हूँ सोनू कुमार 1234 @gmail.com इस तरीके से दोस्तों मैं अपना ईमेल दे देता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपना नाम सोनू कुमार। अब दोस्तों मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से आया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक br टैग लगा सकते हैं उसको नीचे करने के लिए। br टैग के बारे में हम लोग आगे जानेंगे इससे क्या होता है बेसिकली दोस्तों। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसको मैंने सेव नहीं किया, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये नीचे आ गया। अब दोस्तों मैं कुछ और यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे यहाँ पे फिर से एक हम लोग br टैग लगाते हैं और उसके बाद दोस्तों फिर से हम लोग एक एंकर टैग लगाते हैं जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दे देंगे दोस्तों मैं अपना वेबसाइट के वेबसाइट का दे देता हूँ, जैसे दोस्तों https://edutica.com edutica.com इस तरीके से यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम लोग edutica इस तरीके से। अब दोस्तों मैं यहाँ से इसको कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे br टैग आया, लेकिन दोस्तों एक और लगा देते हैं तो अच्छी तरीके से यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा। कंट्रोल है सेव, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ये एड्रेस टैग का यूज कर सकते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पे आप लोग जो चाहें मतलब आपने ऑथर मतलब आप जो पेज लिख रहे हैं जिस आर्टिकल के लिख रहे हैं अपने बारे में जो चीज़ दिखाना चाहते हैं यूजर को वो एड्रेस टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर edutica मैंने लिखा है तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आसानी रहेगा समझने में। ये ईमेल हो गया, ये नाम हो गया, फिर से मैं यहाँ पर दे देता हूँ विजिट लिख देता हूँ विजिट अस इस तरीके से। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, देखते हैं आप लोग देख सकते हैं विजिट अस आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे br टैग फिर से एक लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से आसानी से अच्छे से दिखेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग एड्रेस लिख देते हैं अपना, जैसे मैं लिख देता हूँ br टैग लगा के सॉरी br, उसके बाद लिख देते हैं मुंगेर br, फिर लिख देते हैं बिहार बिहार लिख दिए, उसके बाद
बस इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से इसको सेव पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से आया। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे ये बी आर टैग हटा देना चाहिए, कॉमा लगा देते हैं। तो अब मैं इसको आप लोगों के सामने जूम करके, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा एड्रेस टैग शो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं, सर्च इंजन को बताना चाहते हैं कि दोस्तों ये मैंने पोस्ट लिखा, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, तो इस एड्रेस टैग की मदद से आप लोग लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग कोई पोस्ट लिखे, जैसे दोस्तों अगर आप लोगों ने बहुत सारे गूगल वगैरह पे न्यूज़ बारे में देखेंगे, वो पोस्ट को कौन लिखा उसके बारे में वहाँ पे ऑथर उसका शो करता है। तो अगर दोस्तों आप लोग कोई पोस्ट लिखते हैं, जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट में अगर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ऑथर का वही वहाँ पर रहता है, तो दोस्तों वहाँ पर हम लोग आर्टिकल टैग के अंदर एड्रेस टैग का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा आर्टिकल इस तरीके से, यहाँ से इसको कट करते हैं कंट्रोल एक्स से, और दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसके अंदर भी एड्रेस टैग को यूज कर सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा बेसिकली दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि दोस्तों ये आर्टिकल के अंदर, इसके अंदर भी आप लोग जो चाहें लिख सकते हैं आर्टिकल, जो भी मतलब आपका कुछ भी फलाना ढिकाना हो आर्टिकल वो आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो आया फॉन्ट वो सीधा है और इसका जो है वो इटैलिक है, तो ये और कुछ इस तरीके से ही हम लोगों को शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग एड्रेस टैग का यूज कर सकते हो। होपफुली दोस्तों आप लोगों को एड्रेस टैग समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग ये एड्रेस टैग का जो मैंने लिखा यहाँ पे सोर्स कोड चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग हमारे वेबसाइट edutica.com और दोस्तों आप लोग edutica एंड्रॉयड एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आगे के वीडियो हम लोग देखेंगे और भी HTML के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टैग, जो कि दोस्तों कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पे किसका यूज है, उसे देखने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।